देख लो भाई, सीधा करते ही ऑटोमेटिक नीचे आ गया भाई। बंद क्यों हो गया ये? कंपनी सुन रही है तो किसानों की भी डिमांड या उसको जो कमी लग रही है उसको भाई पूरा किया जाए। लो में ट्रैक्टर चल रहा है। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मेरी राम राम। तो जैसे कि भाई मैंने आपको बताया था कि भाई महिंद्रा ओज्जा जो कि नया ट्रैक्टर है भाई, अभी अपने इंडिया में दक्षिण अफ्रीका में इसको लॉन्च किया था 15 अगस्त 2023 को। तो ये चरखी दादरी में ट्रैक्टर डिलीवर हुआ था। तो इसकी हमने भाई दो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी हैं और हमने बताया था कि भाई तीन वीडियो बनाएंगे इस ओज्जा ट्रैक्टर की हम। और तीनों ही वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये ट्रैक्टर बहुत ही ऑटोमेटिक है। तो इसकी हमने भाई दो वीडियो में काफ़ी जो इसके फीचर हैं वो कवर कर लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसकी परफॉर्मेंस वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से ट्रैक्टर चलता है, किस प्रकार के जो इसके ऑटोमेटिक सिस्टम है वो काम करते हैं। तो कैमरा मुझे दे दे। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने मतलब कैमरा पकड़ा। क्या नाम भाई अपना? महेश। महेश नाम है भाई का। तो ये ट्रैक्टर भाई चरखी दादरी से डिलीवर हुआ था, तो इसकी हम परफॉर्मेंस वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करके तो हमने भाई दो वीडियो में उनमें पहले दिखा रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई ये पुश बटन से रिमोट से स्टार्ट होता है। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट करो हंसदीप भाई, आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करो। और आपको बता दूं भाई ये ट्रैक्टर 27 HP का है, वो वीडियो देख लेना भाई। कुछ बातें मैं इस वीडियो में नहीं भी बताऊं, तो इसके पीछे है भाई रोटावेटर 20 ब्लेड का। तो इसकी हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे अलग अलग मोड के ऊपर भी, कौन से गियर में किस प्रकार से क्या चल रहा है ये आप देख लो भाई। तो भाई इसको स्टार्ट कर रहा है, ये फंक्शन हमने बता रखे हैं भाई किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाता है पिछली वीडियो में। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे सिर्फ, अभी ट्रैक्टर स्टार्ट होगा भाई। हाँ ये भाई काफ़ी फंक्शन है इसमें, वो शटल करे और चेक कर लो आप एक बार, और ये भी चेक कर लो ब्रेक वाला। चार बार करेगा ना ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है। तो भाई से एक बार बात करें, तो भाई हंसदीप ये बता दो कि अब इसको आप कौन से घर में कितने RPM पे चलाओगे? इसको अभी चलेंगे 1800 RPM पे। 1800 RPM पर कौन से लो के दूसरे गियर में? और मोड वगैरह ऑटो करोगे आप? ऑटो मोड करके दिखाएंगे, फिर बाद में भाई ऑटो मोड को हमें मतलब मैन्युअली भी चला के दिखाएंगे। वहां पे दिखा दियो पीछे से, अगर आप करा ना इम्प्लीमेंट कैसे उठता है बैक गियर में, वो अपने आप उठेगा ना। हाँ यहाँ पे भाई दूसरा गियर डाल दिया है देख सकते हो, और रेस और सेट कर लो आप भाई, और यहाँ पे लो लगा दिया है देख लो, और ऐसे कर लो। हाँ हाँ 1800 RPM यहाँ पे सेट कर दी है भाई, और ये रोटावेटर है देख लो। बंद क्यों हो गया? अच्छा, दोबारा स्टार्ट कर लो। 20 ब्लेड का रोटावेटर है भाई, जमीन उसी वीडियो में बता रखी हमने, नरम मिट्टी है, फोल्ली जिसको रेतीली बोलते हैं, है ना, ऐसी जमीन है ना, रेतीली जमीन है। क्योंकि भाई ये भी 4 दिन ही हुए भाइयों को ट्रैक्टर लिए हुए, तो इनको भी थोड़ा बहुत समय लगेगा। बाकी इन्होंने बताया था कि उन वीडियो में भाई यूट्यूब पे भी देखा इसके कौन से फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं। बाकी भाई जो महिंद्रा की टीम भी आई थी, उन्होंने इस ट्रैक्टर को भाई चला कर समझा के गए थे किसान भाई को। ये ट्रैक्टर भाई बागवानी के लिए है। भाई काफ़ी फंक्शन है ना इसमें। हाँ हो गया, दो बार तो हो गया। हाँ दो बार हो गया ये अभी।
ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। रेस वगैरह सही से सेट कर लो आप। ये पीटीओ बंद करनी पड़ेगी शायद। वो बटन सही है। लो नहीं लग रहा। आई लग गयो। इधर से ये देख लो भाई, कोई मोड़ वगैरह वहां पे आ ही मैं चल गयो। हाँ हाँ यो भाई, जैसे कि 1800 RPM पे लो आई में चल रहा है भाई। ये देख लो भाई आपके सामने है कि भाई ये ट्रैक्टर जितना नया है, किसान को समझने में कितना समय लगेगा। ये तो तेज भाग गए है, आई गेर है ना, दूसरा है ना। ये भाई देख लो अपने आप उठ गया। ये देख लो भाई, ये अपने आप उठ गया यहाँ पे। जैसे ये मुड़िया कौन से घर में है, आई के में यो दूसरे में। ये देखो भाई ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक नीचे आया है। लो लगा घना तेज बात जाए होता है। लो मैं दिखाओ एक बार। ये लो में है भाई, लो में ट्रैक्टर चल रहा है। जैसे ही भी आप बैक गियर डालोगे तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ये पर बैक गियर डालना, हाँ हाँ जैसे कि भाई अपने, अच्छा अच्छा बैक गियर डाल लेंगे भाई। उठ गया भाई देख लो, हाँ अपने आप उठ गया। अब आगे कर दो इसको, दे लो भाई गियर आगे करते ही अपने आप नीचे आया, आप देख सकते हो भाई। जैसे कि अब कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो आप उस बटन से, हाँ 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 ये बटन है भाई, लगा एक बार। ये देखो भाई उठ जाता है जैसे ही बटन दबाते हैं। ये टू व्हील में है, फोर व्हील में, टू में करिए फोर में चलेगा। अब जैसे कि भाई ट्रैक्टर मुड़ेगा यहां से तो आप देखना भाई। हाँ हाथ साइड में कर ले। ये देख लो भाई ये आपके सामने है, जैसे ही ट्रैक्टर मुड़ा रोटावेटर मारा ऑटोमेटिक उठ गया भाई। हाँ हाथ छोड़ दे, अपने आप नीचे आएगा भाई, देख लेना आप वीडियो में महेंद्रा ओझा। ये देख लो भाई सीधा भी अपने आप हो गया। ये नीचे कब आवेगा, अच्छा अब आ गया, अच्छा अच्छा ये देख लो भाई। अब इसको अगर ऑटो पे चलाए तो, ऑटो पे मैनुअल चलाए तो, अच्छा ये भाई ऑटो पे है। कर दो ये देख लो भाई, महिंद्रा ओझा रोटावेटर पे चल रहा है ऑटोमेटिक मोड के ऊपर। स्टेयरिंग स्टेयरिंग को घुमाना बस, ठीक है नीचे से ही घुमा देना, देख लेंगे। पहले ही घुमा दे। ये देखो भाई जैसे ही ट्रैक्टर ने टर्न लिया ना तो ऑटोमेटिक रोटावेटर भाई पीछे से उठ गया है। ये देख लो आप, अब सीधा कर दे।
देख लो भाई, सीधा करते ही ऑटोमेटिक नीचे आ गया भाई, मोड़ ले आगे दीवार आ गई भाई, मुड़ते ही अपने आप उठ गया। हाँ अपने आप आ जाएगा। ये है उरे बिल्कुल कीड़ी से भी कम चाल में चलेगा भी अब। अच्छा अब ये भाई बिल्कुल कीड़ी चाल में चलेगा, बिल्कुल स्लो चाल, जो कि एक घंटे में 30 मीटर, एक घंटे में 30 मीटर या ऐसी चाल पे। ये देख लो भाई इसकी चाल, कीड़ी से भी कम चाल है इसकी। चाल ले मांगे भाई दिखा। दबने दुबने का काम है, बंद बुंद होना। अच्छा कुछ आ गया, कंकड़ वगैरह आ गई, कोई पत्थर वगैरह। ये देखो भाई पत्थर आ गया था। हाँ इस बटन से झटके मरवा रहा है भाई, मैं आपको दिखा दूं। ये देखो ये है ना भाई, ये देखो एक बार जैसे प्रेस करोगे ना भाई ऑटोमेटिक उड़ जाता है, फिर नीचे आएगा अगर कोई पत्थर वगैरह आ जाता है तो। ये देख लो भाई, और जैसे कि मैं ना अब ये ट्रैक्टर चल रहा है भाई, ये देखो आप, और मैं है ना जैसे कि मोड़ता हूँ इसका धीरे धीरे। ये देखो भाई मैंने इसको मोड़ा, ये देख लो भाई, अब ये क्लच लेनी है। अगर जैसे इसका लो वाला क्रीपर गियर नहीं लगाना तो यही होगा, क्लच ले लो। छोड़ दो क्लच, चलेगा चलेगा, इसने सही कर ले, हो गया। अब ये लो में आ गया, अब लो गियर लगा दिया है आराम से। हाँ ये लो की चाल है भाई, ये देख लो, मतलब बिल्कुल आरामदायक लगता है जब ट्रैक्टर को चलाते हैं। और भाई इस ट्रैक्टर की समय समय पे वीडियो आती रहेंगी भाई। मोड़ लो मोड़ लो, ऑटोमेटिक उठ गया, जैसे कि यो अपन मैनुअल करना होता है यो। अच्छा सारे स्विच ऑफ करने पड़ेंगे। पूरा ट्रैक्टर ने रोक लियो, एक बार आ जाइयो। बंद कर लियो भाई, जैसे ना यहाँ पे और भी भाई थे। तो ट्रैक्टर कैसा चल रहा था जी? बहुत अच्छा जी, एकदम शानदार जी। छोटा भीम है ये। अच्छा छोटा भीम है जी।
इसके जो ऑटोमेटिक फंक्शन थे कंपनी भाई क्लेम कर रही थी, बता रही थी, वो सभी काम कर रहे हैं। आप देखा ना आपने? जी बिल्कुल देखा है, हम तो देख रहे हैं। सही बात है भाई, मैंने आपको बताया था कि महिंद्रा ओजाब नई है जैसे कि, तो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझने के लिए भाई मैंने तीन वीडियो बनाई है। एक तो ये है, दो ऑलरेडी बना रखी है, तो तीनों वीडियो में हमने खुल के अच्छी तरीके से बात करी है अपने किसान भाई से, चला के भी दिखाया और किस तरह से क्या फंक्शन है वो भी सभी बातें बताई। तो और कोई कुछ बात ताऊ जी आपकी इस ट्रैक्टर के बारे में? कोई नहीं है, अभी किसानों को क्या कहना चाहोगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में? टेक्नोलॉजी बढ़िया है जी, अच्छी लगी जी, और अपने बॉडी लेंथ के हिसाब से मेरे को ठीक लगी है। ठीक लगी मैं कहता हूं। अच्छा, और भाइयों क्या कही? तो आपने ट्रैक्टर चलाया भी है, तो चलाने में ये नहीं लगता कि भाई जैसे कि परेशान होते हो आप या और कुछ? परेशानी नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। जी जी, कोई फीलिंग नहीं होती भाई कि हम परेशान हैं या कोई हम गलत है। स्पेस भी बढ़िया है बैठने का। सही बात है, इसके जो भी इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छी दे रखी है भाई। मैंने भी इसके ऊपर बैठा थोड़ा चलाया तो मेरे को भी अच्छा लगा भाई। गर्म नहीं होता? गर्म नहीं होता। अच्छा अच्छा, कितने घंटे चला लिया आपने? यो दादरी से कंटिन्यू लेके आया था, 5 घंटे लगे थे। अच्छा अच्छा, ठंडा था यार। अच्छा अच्छा, दिखा भाई, गर्म नहीं होता, बिल्कुल ठंडा है। हाँ ये बात तो सही है भाई, यहाँ लगा लो साइलेंसर पे। अच्छा साइलेंसर दे लो, ये देखो भाई ट्रैक्टर चला है और हाँ सही है भाई, नहीं तो हाथ भी नहीं रखने दे। नॉर्मल और ट्रैक्टर हो तो इतनी देर में आपको। हाँ सही बात है भाई, सही बात है, 4x4 में है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो इसकी एक बात देखू, 4x4 में है सब जो है, इसकी कैसे काम करे है। और ये आजकल जो है किसान के लिए बड़ा जरूरी हो गया, क्योंकि किसान के पास आजकल जोत कम होती जा रही है। जी जी, और इसके लिए बागवानी क्षेत्र में बड़ा कारगर है ये, कारगर है ये। और इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो है कृषि के लिए आगे आगे बड़े आवश्यक भी है, आवश्यक भी है वैसे जी। बहुत बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली टेक्नोलॉजी है ये, ज्ञान की इसमें कोई कमी नहीं है। जी जी, और तो भाई इसकी समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे परफॉर्मेंस की भाई, करड़ी जमीन में भी चला के दिखाएंगे। इस समय किसान क्या हो सकता है ये? जी अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे ही ट्रैक्टर पुराना होता जाएगा इसका हम फीडबैक भी लेते रहेंगे कि भाई ट्रैक्टर साल 6 महीना चलने के बाद क्या उसी तरीके से चल रहा है, या फिर जो इसकी टेक्नोलॉजी में कोई कमी आई हो तो हमें साथ साथ में मतलब किसान भाई का फीडबैक भी आपको देते रहेंगे समय समय पे। और जो भी इसकी एक दो इम्प्लीमेंट बनवाने की कह रहे हो आप, तो उस इम्प्लीमेंट पे भी, और जैसे ही भाई से मतलब आप जमीन की खुदाई खुदाई करोगे या बुआई भी करोगे इससे फसल जो करेंगे, तो जैसे इससे हम भाई जो सब्जी वगैरह उगाएंगे तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट किस तरह से उगाते हैं, और जो अपनी मेड बनती है और जैसे कि सब्जी भी उगती है ना भाई, तो बहुत मतलब पतले पतले रास्ते होते हैं और अच्छी तरीके से उनको मेंटेन करना पड़ता है। गाजर मूली वगैरह सब की वो एक है, क्या बोलते हैं इसको, मशीन मल्टी क्रॉप मशीन है। हाँ। अच्छा मल्टी क्रॉप मशीन। हाँ, अच्छा अच्छा, मशीन आई है एक। अच्छा वो लाओगे आप, बैठे के ऊपर बिजाई होगी, बिजाई होगी तो उस वो मशीन आएगी ना और उससे बिजाई होगी तो वो भी वीडियो बनाएंगे। हाँ, बाकी आपका जी कोई भी कुछ और कुछ कहना हो आपने टेक्नोलॉजी के बारे में? महिंद्रा है तो पूर्णतः विश्वास पात्र तो है। जी 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 जी, पात्र भी है। दूसरा ये है कि आज जो है जोत विशेष करके कम होती जा रही है, जी फिर कंपनी के साथ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी एग्रीकल्चर के कम है, कम है। अब ये जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट रोटावेटर वगैरह जो है वो दूसरे आदमी लोकल्स जो है वो बनाते हैं, जी कंपनी नहीं बनाती इनको। सही बात ये है, इसलिए इसकी वजह से अब इनके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो हमें अगर लेके आने पड़ेंगे तो कहीं लोकलिटी में ही बनवा के लेके आने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। कंपनी से यही प्रार्थना है कि और भी बनाए, और भी बनाए ट्रैक्टर या इंप्लीमेंट, इसके इंप्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है। हाँ हाँ, वो सभी बनाए, सभी प्रकार के, जैसे बागवानी में गेहूं बिजाई के लिए, सरसों बिजाई के लिए, आलू बिजाई के लिए, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो इसके पीछे बनाने चाहिए। हाँ तो भाई धीरे धीरे बनाएगी, बनाने चाहिए, और सभी के सभी एक ही इसके अंदर ही अनाज, सभी अनाज उसके अंदर एक के अंदर बिजाई हो जाए, बिजाई हो जाए। हाँ, खाद और बीज दोनों चीज, दोनों चीज। हाँ, आप बाजरे से सरसों से लेके चने तक, मटर तक जी, और मूंगफली तक जी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए, बनाए महिंद्रा कंपनी, महिंद्रा कंपनी। तो भाई ये कंपनी सुन रही है तो किसानों की भाई डिमांड या उसको जो कमी पूरी लग रही है उसको भाई पूरा किया जाए। और वैसे तो इसका पर्पज बागवानी के लिए ही ज्यादा, तो ना बागवानी के लिए ही ज्यादा तो है ना। तो भाई ये बागवानी के तौर पे भाई
महिंद्रा ने बनाए हैं दक्षिण अफ्रीका में, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। तो ये अपने इंडिया में है भाई, और इसकी परफॉर्मेंस दिखाई, सभी बातें करी। बाकी हाँ, चरखी दादरी में डीलरशिप है भाई श्री राम के नाम से, वहाँ से ये ट्रैक्टर आया है। और किसी भाई को लेना हो तो भाई संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यार, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम आपके रिप्लाई ज़रूर देंगे भाई, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। बाकी भाई इसकी तीनों वीडियो बना ली, तीनों ही वीडियो आपको देखनी है अगर ओजा ट्रैक्टर को अच्छे से समझना है तो।